मेरी ना भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है यार, अभी मैंने ना, अरे भाई फॉलो कर सकते हो क्रिश व्लॉग नाम से। ओ भाई पोर्शे, सो हाय गाइस वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। सो अभी हो रहे हैं दोपहर के 3। सो अभी फिलहाल मैं निकला हूँ व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह तो मैं, तुम्हें पता है मैं उठ नहीं पाता हूँ जल्दी यार, तो मैं अभी उठा था। तो उसके बाद अब मैं व्लॉग बनाने के लिए निकल रहा हूँ, और आज अपने साथ एक और राइडर होने वाला है। फिर आज बनाते हैं एक मस्त सा व्लॉग और तुम्हें दिखाते हैं आज के व्लॉग में कितना मज़ा आने वाला है। सो भाई मैं जिस भाई से मिलने आया हूँ ना, उसने मुझे यहीं का ही बोला था कि यहीं पर कहीं मिलेगा। सो अपन यहाँ पर आगे लेफ्ट में रोक लेते हैं और वेट कर लेते हैं भाई की कब तक आएगा। जब तक मैं तुम्हें एक दो चीज़ें बता देता हूँ अपनी बाइक के बारे में। भाई मेरी ना भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इन ग्लव्स को लेके, क्योंकि ना मैं रोक नहीं पाता हूँ इससे अपनी वीडियोस वगैरह, तो मेरे को उतरना ही पड़ता है बार बार, इनको उतार के वीडियो स्टार्ट और बंद हो पाती है। भाई देखने में तो ना आगे से बढ़िया लगती है ऐसे, देख रहे हो ये मिरर वगैरह लगाने के बाद मैंने इंडिकेटर का सब कुछ चेंज कर दिया ना इसके, तो अब इसकी लुक और ज़्यादा बेटर आ रही है। पहले ना वो नीचे जो सिंगल लाइट वाले इंडिकेटर होते ना वो वाले थे, बट अब जैसे मैंने ये वाले लगाए ना KTM ड्यूक वाले, तब से इसकी लुक और ज़्यादा बढ़िया हो गई, और ये मिरर वगैरह लगा के आगे की लुक तो ब्रॉड हो गई थोड़ी पहले से ज़्यादा। तो यार अभी मैंने ना, अरे भाई तो भाई आज मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ अपनी बाइक में कराने के लिए, मैं ना अपना यूट्यूब चैनल का नाम लिखवाने की सोच रहा हूँ यहाँ, मतलब अभी तो मैं को बैक कैमरा करके दिखाता हूँ मैं कहाँ का सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ एक तो ना यहाँ लिखवा लेता हूँ क्रिश ब्लॉग्स, यहाँ अच्छा लगेगा यहाँ, अभी मैं देखता हूँ यार। मैं आज सोच रहा हूँ लिखवा ही लेता हूँ जब बाहर ही आया हूँ तो। और मैंने ना एक यूट्यूबर का और देखा था पीछे की तरफ ना, देखो इस साइड में यहाँ लिख रहा है तो मैं ये लिखा हुआ है इधर की साइड, यहाँ भी लिखा हुआ देखा था। बट यार इसका एक चीज़ है, यहाँ अगर मैं लिखाऊंगा ना तो वो गंदा बहुत जल्दी होता है, क्योंकि ज़्यादातर ना मुझे इसी जगह पे लगती है। अगर मेरे को उसकी बच्ची मैंने दो हज़ार तक वो आया नहीं, पता नहीं कब तक आएगा, तो मैं सोच रहा हूँ अपना ना नाम इधर ही लिखवाया जाए, यहाँ लिखवा लेता हूँ या फिर यहाँ लिखवा लेता हूँ। अभी देखता हूँ, अगर मैं आज जाऊँगा तो लिखवाता हूँ, इसी ब्लॉग में दिखा दूँगा, तो मैं नहीं जाऊँगा तो मैं बाहर नहीं लगाऊंगा। A few moments later. तो अभी अपना फॉन्ट देख रहे हैं किस टाइप में लिखवाना है। हाँ ये सही लग रहा है, बट टेढ़ा कर देना इसको। तो भाई अपना लोगो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, प्रिंट होने के बाद तुम्हें दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। देखो सामने ये वाला लोगो है, अभी प्रिंट होगा उसके बाद दिखाऊंगा कैसा आउटपुट आया इसका। तो भाई यहाँ पर अभी अपना लोगो लग रहा है, थोड़ा ऊपर के लगाओ। सो गाइस अभी अपना लोगो लग चुका है, अब मैं मोटर व्लॉग पहन के दिखाता हूँ कैसा लगता है फ्रेम में आते नहीं आता, क्योंकि मैंने ना और कहीं लिखवाया इसलिए नहीं ताकि मेरे फ्रेम में आए, क्योंकि ये चीज़ तो मेरी फ्रेम में आती ना तो सही लगता है देखने में, बढ़िया लगेगा। और यहाँ से लगवाया अपन ने, तो चलो अब चलते हैं मोटर व्लॉग पर। सो गाइस देखो फाइनली अपना लोगो लग चुका है, तो यहाँ देखो इस टाइप का अपना ना व्यू आएगा। देखो अब मैं चलाऊँगा तो सामने दिखेगा ये लिखा हुआ क्रिश व्लॉग्स, तो चलो अब यहाँ से अपनी राइड को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस बड़ा सेक्सी सा लग रहा है देखने में, बढ़िया लग रहा है ना क्रिश व्लॉग्स। सो गाइस फाइनली अभी अपना लग चुका है ये सारा जो हम लगवाने आए थे, चैनल का नाम लिख चुका है अपना इंस्टा यूट्यूब फेसबुक, मैंने स्नैपचैट का इसलिए लगवाया क्योंकि यार मैं यूज़ ही नहीं करता, तो क्या ही फ़ायदा जब यूज़ नहीं करते उसको लगवाने का। सो अब देखो यहाँ से व्यू में ना बढ़िया मस्त लग रहा है देखने में। यार मैंने ना फिलहाल अभी ना अपने ग्लव्स उतार दिए हैं, क्योंकि मेरे को ना अच्छे से ग्रिप नहीं मिल रही थी उसकी, ना ग्रिप ख़त्म हो रही है, मेरे को ग्लव्स भी लेके आने पड़ेंगे। तो अभी नेक्स्ट व्लॉग में चलेंगे अपन करोल बाग, वहाँ से अपने ग्लव्स वगैरह लेके आएंगे, क्योंकि इसकी ना ग्रिप बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मेरे लगाता हूँ ना ब्रेक वगैरह तो कभी कभी मेरा क्लच छूट जाता है, कभी रेस मेरे ढंग से ग्रिप नहीं बन पाती है, तो मैंने उतार ही दिया कि फालतू का रिस्क लेने से तो उतार ही देता हूँ। तो खैर मैंने ना ग्लव्स चेंज करने का मेन एक मोटिव ये भी है कि मेरे ग्लव्स टच स्क्रीन नहीं है और मेरा सारा काम फ़ोन से ही होता है, जितना भी मैं व्लॉग वगैरह बनाता हूँ सब चीज़ फ़ोन से बनाता हूँ, तो मेरे को बार बार ना स्क्रीन पर टच करना पड़ता है, तो उसके लिए मेरे पे वो चलता नहीं है, तो बार बार मेरे को ग्लव्स उतारने पड़ते हैं वीडियो रोकनी हो या स्टार्ट करनी हो दोनों चीज़ों के लिए। सो एक रीज़न मेरा ये भी है चेंज करने का, तो उसको भी चेंज करेंगे अपन लेके आएंगे कल जाकर, कल या नेक्स्ट व्लॉग में जाएंगे, बट मैं अभी श्योर नहीं हूँ कल जाऊँगा परसों जाऊँगा, बाकी देखते हैं अपन क्या होता है। बाकी तुम मेरे को एक बार ये बताना है फ़ोन कैसा लग रहा है यूट्यूब के नेम का, ये कैसा लग रहा है, और मेरे को ज़रा वो दिख नहीं रहा है जो भी मेरे साथ राइड कर रहा है, आई थिंक पीछे तो नहीं रह गया।
सो गाइस यहाँ पे अपने लेफ्ट में है तिलकनगर की मेन मार्केट, यहाँ पूरा गर्ल्स का सामान मिलता है भाई। यार भाई ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो रहा है ना यहाँ पे, बैटरी रिक्शा वाले इतने होते हैं। सो गाइस तुम एक चीज़ बताना मेरे को, नॉर्मली मेरे फ्रेम में ये चीज़ आ रही है लिखी हुई या नहीं आ रही, क्योंकि ना मेरे फ्रेम में और कहीं आते नहीं, इसलिए मैंने ना यहाँ पे अपना ये लिखवाया है, वरना मैं पहले सोच रहा था राइट में लिखवाऊँ दोनों साइड जो ये ब्लैक ब्लैक होते हैं ना एनएस में, बट यहाँ पे मैंने देखा था बहुत लोगों के लगे होते हैं ऑलरेडी मेरे फ्रेम में आए, क्योंकि मैं और किसी चीज़ से तो व्लॉग करता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट अपने फ़ोन से ही व्लॉग करता हूँ तो सामने का व्यू दिखता है। सो फिलहाल अभी हम निकले हैं तिलक नगर से और अभी हम जा रहे हैं रजौरी गार्डन की साइड व्लॉग बनाने के लिए। इस रोड पर रेड लाइट बहुत सारी हैं तो अभी हमारी तो रेडी हो गई यार। इट्स ओके गाइस, मैं अपना कैमरा स्टार्ट करना भूल गया रेड लाइट पे रुकने के बाद, और मैंने फालतू में इतना लंबा खींचा मार दिया यार। इस रोड में ना ये दो दो मिनट के बाद ना रेड लाइट ही रेड लाइट है। अब देखो अभी एक से निकले थे, अब दूसरी आ गई। 7, 6, 5, 4, 3 ड्रैग रेस लग गई। भागो। ड्रैग लग गई। अरे यार बड़ा गंदा सीन है यार, क्या है। रेड ग्रीन, सबसे आगे मैं ही पहुंच गया, जीत गया मैं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? बड़ी परेशानी है यार, मैं थक गया हूँ जिंदगी से अपनी। अभी थोड़ा चलाओ फिर ब्रेक मारो, सोचो तो चले जाओ हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे। हाईवे पे भी कुछ नहीं होता यहाँ के, तो हाईवे पे कहाँ है दिल्ली के। दिल्ली में तो भाई तुम बाहर ही निकल सकते हो, ऊपर से मेरा वर्सिटी का बटन खुले जा रहा है, परेशान हो गया हूँ मैं। ओ वाह भाई, मेट्रो देखो अंदर से ऐसी होती है, मैंने तो पहली बार देखा है। जैसे ट्रेन होती है उस टाइप का ही बना हुआ है ये भी। सबसे आगे हम दोनों ही खड़े हैं, हमारे चलान होगा होगा तो। अरे ये भाई हमारी ग्रीन हो गई तब भी रुक के नहीं रहे हैं। वो स्प्लेंडर जीत गई। पीछे देखो कैसे बैठा हुआ। उससे चिपक के बैठा है बिल्कुल, ठंड लग रही होगी ना इसको। भाई मैं तो वर्सिटी पहन गया, मेरे को 1% ठंड नहीं लग रही। ठंड है बट मेरे को फ़िलहाल नहीं लग रही, बट मेरे हाथों में लग रही है, क्योंकि मैंने अपना जो है ग्लव्स वगैरह उतार दिए हैं, क्योंकि बताया था तो मैं भी मेरी टच नहीं चल रही थी, इस चक्कर में उतारे हैं। बाकी सही है यार, बढ़िया है, ठंड आ गई, बढ़िया लगती है। ठंड में मज़ा आता है बाइक चलाने का, गर्मियों में तो ऐसी तैसी हो जाती है भाई बाइक चलाने में। यार यहाँ पे ना थोड़ा भगाने में भी डर लगता है, क्योंकि ना एकदम से या तो कोई रोक देता है या फिर बीच में से कोई क्रॉस करने आ जाता है। ये रोड बहुत ख़तरनाक सा है, क्योंकि यहाँ दोनों साइड ना मतलब शॉप्स वगैरह बनी है, मार्केट ही है मेन रोड पर ही, तो कोई भी क्रॉस करता रहता है। बीच में स्पेस दे रखा है क्रॉस करने का। देखो जैसे कि ये भैया बिना देखे लेफ्ट से पूरी राइट काट दी, ते रहेंगे अंकल ने कि मॉडिफाई करा रखी अपनी बाइक। वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सो गाइस इन जगहों पर तुम मेरे को फॉलो कर सकते हो, क्रिश व्लॉग नाम से सर्च कर लेना, मिल जाऊंगा थोड़ा ऊपर नीचे ढूंढने पर, ढूंढ लेना थोड़ा मेरे को। इंस्टा का लिंक तो मैं तुम्हें दे ही देता हूँ, तो इंस्टा फेसबुक और यूट्यूब पर तुम वीडियो देख ही रहोगे। अगर तुम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, फैलाओ भाई मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ये कार को टो करके ले जा रहे हैं, शायद एक्सीडेंट हो गया है, चेक करते हैं आगे चले के एक्सीडेंट हुआ है या फिर भाई इसकी कार ही ख़राब हो गई। मेरे ख्याल से तो ख़राब हुई है ना भाई, एक्सीडेंट तो ना हुआ। एक्सीडेंट होता तो आगे से पिचकी हुई होती ना, पुचक करके जैसे आगे से पूरा मुँह दब गया उसका, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो गाइस यहाँ पर देखो कितनी सारी मूर्ति टाइप बनी हुई है, अंदर से खोखला है। ओ भाई साहब, ओ हो, इन भाई साहब को भी अभी जगह मिली है रोड क्रॉस करने की, हमारी ग्रीन हो गई उसके बाद। भाई रोड कितना खुला लग रहा है ना ये। अरे यार मैंने वाइजर नहीं बंद कर रखा, बट फिर भी मुझे पता है मेरी वॉइस की क्वालिटी बढ़िया ही आ रही होगी, क्योंकि जब से मैंने अपना ये सेटअप करा है ना तब से मेरी वॉइस क्वालिटी बहुत ज़्यादा सही हो गई है पहले से। गड्ढे, पता नहीं भाई कौन से जन्म में वाला फ्लाईओवर बन के देगा, जिस जन्म में ये बन जाएगा ना उसी जन्म में ट्रैफिक ख़त्म होगा। ओ भाई लैंड क्रूजर, भाई साहब लैंड क्रूजर, भाई ये गाड़ी इतनी मस्त है ना, आई थिंक महंगी भी है काफ़ी बट बढ़िया लग रही है यार।
और ये देखो सारा अपना एक क्लब रोड है, राइट में सारे यहाँ पे क्लब बने हुए हैं। ओ भाई पोर्शे बॉक्सर खड़ी है, पोर्शे बॉक्सर। ये बाबा भाई आज ये बहुत मिल रहा है, हाय करता हूँ, हाय कर दो भाई, एक यहाँ पे भी हाय कर दो। यहाँ आएगा ब्रेकर बड़ा वाला, जूम। भाई मेरे को ना अपना व्यू बड़ा प्रॉपर दिखता है, पहले ना वाले मेरे अड़ते थे मेरे को, मतलब इरिटेशन सी होती थी उनसे मेरे को, जब से यार लगवाया ना तब से बढ़िया बढ़िया लगता है, मज़ा आता है चलाने में भी, और तुम्हारे मतलब मेरे व्लॉग में भी व्यू अच्छा आता है। क्या पता है जब मैं चलाता हूँ ना तो मतलब आगे हो जाता हूँ, तो मेरा ये ना मतलब दिख नहीं रहा उस टाइम पे, बट मैं थोड़ा पीछे आता हूँ ना जब, ऐसे दिखता है। सो गाइस करते इस व्लॉग का यही एंड, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी और नए, नए डरे भाई, मिलते हैं किसी और नए बढ़िया से बेस्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।